महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी का मेडिकल कराया, इसके बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से आनंद गिरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरा की करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के विमान ने अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और अंत में बात ब्रिटेन द्वारा कोविशील्ड को मंजूरी दिए जाने पर करेंगे। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में शिष्य आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि महंत की मृत्यु से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों 18 सदस्यीय SIT का भी गठन किया गया था। वहीं लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने बताया था कि राज्य पुलिस ने सोमवार रात हरिद्वार में संत के शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। कुमार ने कहा था कि सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम थे और प्राथमिकी के आधार पर आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा आनंद गिरी का मेडिकल कराया गया है और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं सूत्रों ने बताया कि आनंद गिरी को सुसाइड नोट दिखाकर अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की, हालांकि आनंद गिरी ने अभी तक मुंह नहीं खोला। आनंद गिरी के अलावा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी तिवारी का भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब 14 दिन तक इनका नया पता नैनी सेंट्रल जेल रहने वाला है। पाक एयर स्पेस का किया गया इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से दूरियां बनाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि सरकार ने पाकिस्तान से उनके एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरा। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनका अमेरिका दौरा उनके साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ दोनों देशों के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा का समापन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोरोना महामारी से दुनिया के सामने पैदा हुई चुनौतियों सहित आतंकवाद को समाप्त करने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबोधन से करेंगे। ब्रिटेन सरकार ने भारत में निर्मित कोरोना रोधी टीके कोविशील्ड को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा परामर्श में शामिल तो कर लिया, लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए ब्रिटिश सरकार की वैक्सीन मान्यता प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति है। भारत को अब भी उन 17 देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल ने कहा कि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता और इस बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है। परामर्श में कहा गया कि कोविशील्ड, एक्स्ट्राजेनिका और मॉडर्ना जैसे 4 टीकों को स्वीकृत टीकों के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसमें कहा गया कि आपके लिए ब्रिटेन आने से 14 दिन पहले टीकों की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों की समीक्षा की है, जो 4 अक्टूबर से लागू होंगे।